गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टूडे स्टडी द डाइज ऑफ द लिपिट्स इन माई प्रीवियस क्लास टोल्ड अबाउट द डाइजेशन डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू वॉन्ट टू सी दीडियो यू कैन जस्ट चेक आउट द प्ले लिस्ट अंडर देशन ओकेट जैसे आपके भोजन में साठ सत्तर परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है दस से पंद्रह परसेंट प्रोटीन होती है इन द सेम वे जो लिपिड्स है आपके वजन में वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी परसेंट होता है ठीक है तो आपकी जो थाली है उस थाली का लगभग बीसवा हिस्सा लिपिड्स का है द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिपिड्स टेकन इन डाइट तो जो आप डाइट में लिपिड्स लेते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है इट मे बी न्यूट्रल फैट इट मे बी द फॉस्फोलिपिड इट मे बी द कोलेस्ट्राइड्स इट मे बी द फ्री कोलेस्ट्रॉल इट मे बी द फैटी एसिड एंड ग्लिस्ट्रॉल, ठीक है तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि बैलेंस डाइट जो आप ले रहे हैं उसमें लगभग बीस परसेंट लिपिड्स है वो लिपिड्स डिफरेंट फॉर्म हो सकता है जैसे न्यूट्रल फैट फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्राइड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड एंड ग्लिस्टरॉल ठीक है अगर आपको चार में से दो नाम भी याद रहते हैं न्यूट्रल फैट फॉस्फोलिपिड फ्री कोलेस्ट्रोल दैन फैटी एसिड एंड गलिस्टरॉल्सो द लिपिड प्रेजेंट स्पेशल प्रॉब्लम लिपिड के साथ से भी हमने डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पढ़ा डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन पढ़ा बहुत सिंपल था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कि आपको बस तीन चीज़ें याद रखनी थी गैस्ट्रिक जूस पेंक्राइटिक जूस और सक्कस सेंटेरिकस गैस्ट्रिक जूस में आपको सिर्फ पैप्सिन याद रखना था पेंक्रेटिक जूस में आपको ट्रिप्सिन याद रखना था और सक्कस सेंटेरिकस में एरेप्सिन याद रखना था पेप्सिन क्या कर रहा था वो प्रोटीन को पैप्टोन में तोड़ रहा था ट्रिप्सिन क्या कर रहा था या तो डायरेक्टली प्रोटीन को या पेप्टोन को लोअर पेप्टाइड मतलब या ट्राई पेप्टाइड्स में तोड़ रहा था एरेप्सिन क्या कर रहा था वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ रहा था और अमीनो एसिड सीधे एब्जॉर्व हो जा रहे थे लेकिन लिपिड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि दे आर इंसॉलिबल इन द वाटर लिपिड जो है वो पानी में घुलते नहीं हैं अगर तेल पत्ते पानी रखा है पानी में अगर आप एक बूंद तेल डालेंगे तो वो तेल घुलेगा नहीं ड्रॉप के रूप में तैरता रहेगा है ना तो लिपिड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि लिपिड जो है वो पानी में इंसॉलिबल है टू टैकल दिस स्पेशल प्रॉब्लम अगर वो पानी में घुलनशील होते तो आराम से ऑब्जॉर्ब हो जाते ना वो पानी में घुलनशील नहीं है तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर दो स्पेशल मैथड्स होते हैं ठीक है तो उन स्पेशल मेथड को क्या कहते हैं एक को कहते हैं इमल्सिफिकेशन क्या कहते हैं इमल्सिफिकेशन और दूसरा मेथड है मिक्सड फॉर्मेशन ठीक है तो आपको कैसे याद रखना है कि आपकी जो थाली है बैलेंस डाइट है उसमें लगभग बीस परसेंट लिपिड्स है वो लिपिड्स न्यूट्रल फैट के रूप में भी हो सकता है फॉस्फोलिपिड के रूप में भी हो सकता है फ्री कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी हो सकता है फैटी एसिड तो और ग्लिसरॉल के रूप में भी हो सकते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो इन सब के साथ लिपिड्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि लिपिड पानी में घुलनशील नहीं होते अगर वो पानी में घुलनशील होते तो आराम से घुलते और औरज़ॉर्ब हो जाते लेकिन वो घुलते नहीं है तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर दो स्पेशल मेथड होते हैं एक इमल्सिफिकेशन और दूसरा मिक्सड माइकेले ठीक है तो जो दो प्रोसेस हैं एक का नाम क्या है इमल्सिफिकेशन दूसरे का नाम क्या है मिक्सड माइकेले ठीक है माइकेले मिक्स्ड माइकेले मिक्सड मिकैल या माइकेले तो इमल्सीफिकेशन इमल्सीफिकेशन दूसरा मिक्स्ड माइकेले ठीक है आगे चलें तो अब हम पढ़ते हैं सलाइवा में क्या होता है सलाइवा डज नॉट कंटेन यानी तो के अंदर कोई भी लिपोलिटिक एंजाइम्स नहीं होता है डाइजेशन तो स्टार्ट इन द स्टोमक एंड एंड सक्स इंटेरिकस तो जैसा हमने प्रोटीन के साथ पढ़ा था कि सलाइवा के अंदर कोई भी प्रोटोलिटिक एंजाइम नहीं था इन द सेम वे सलाइवा के अंदर कोई भी लिपोलिटिक एंजाइम भी नहीं है इसलिए जो डाइजेशन ऑफ द स्टार्ट फैट है लिपिड्स है वो स्टोमक में स्टार्ट होता है और सक्कस एंटेरिकस में कंप्लीट हो जाता है तो स्टोमक में स्टार्ट हो रहा है भाई तो स्टोमक के अंदर जो जूस है उस जूस का नाम क्या है गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या करता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम है दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज क्या नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज तो जैसे पैप्सिन था कौन सा था पैप्सिन तो वो पराइटल सेल से निकल रहा था ऐसे ही जो गैस्ट्रिक लाइपेज है कौन सा गैस्ट्रिक लाइपेज वो स्टोमक की चीप सेल से निकलता है कौन सी सेल से चीप सेल से तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम क्या है गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ प्रजेंट है गैस्ट्रिक जूस में तो भाई गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टोमक में निकल रहा है तो स्टोमक की म्यूकोसा में कई तरीके की सेल होती हैं तो इसमें से जो चीफ सेल है सेल का नाम क्या है चीफ सेल तो चीफ सेल से गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो एक लिपोलिटिक एंजाइम से जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है और वह स्टोमक की चीफ सेल से निकल रहा है बेसिकली करता क्या है इट ब्रेक्स द न्यूट्रल फैट इंटू वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड तो ये न्यूट्रल फैट को ठीक है न्यूट्रल फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है न्यूट्रल फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है तो न्यूट्रल फैट अगर टूटेगा तो ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बनेगा और फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल बनेंगे ठीक है कौन गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है न्यूट्रल फैट fat को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है तो फैटी एसिड के तीन और ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बन रहा है इट एक्ट्स बेस्ट इन द स्लाइटली एसिडिक मीडियम बट डिस्ट्रॉयड 0.02% जीरोल इन 15 मिनट्स तो अगर मीडियम स्लाइटली एसिडिक है स्लाइटली एसिडिक साथ से थोड़ा सा कम तो, तो ये अच्छे से काम कर रहा है लेकिन अगर मीडियम हाईली एसिडिक हो गया या थोड़ा मॉडरेट थो, एसिडिक हुआ तो ये काम करना बंद कर देता है हैंड्स इट्स एक्शन टेक प्लेस ओनली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन व्हेन एसिडिटी इज़ नॉट हाई ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि आप ही सोचिए कि ये जो एंजाइम्स है कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज जो गैस्ट्रिक जूस में है तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो है वो स्लाइटली एसिडिक पी एच तो काम कर रहा है लेकिन जब पी एच कम हो जाती है मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है तो जब गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो एस सी एल भी निकलेगा एस भी पेट से निकलता है तो जैसे ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है तो निकलने के साथ तो इसने काम किया लेकिन जैसे ही एच आया इसने काम करना बंद कर दिया ठीक है तो गैस्ट्रिक जूस जब निकलते हैं तो निकलने के साथ तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज काम करता है लेकिन जैसे ही एच निकलना स्टार्ट होता है एच सिस्टम में मिलता है ये काम करना बंद कर देता है तो फैट डाइजेशन स्टम में होता तो है लेकिन थोड़ा सा तो फैट डाइजेशन इन द स्टोमक अकर्स ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस तो हम वही तो कह रहे हैं कि फैट का डाइजेशन स्टोमक में तो होता है लेकिन नेग्लिजिबल बहुत थोड़ा सा लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें फैट का डाइजेशन स्टोमक में होता है वो कौन सी अवस्था हो सकती है कि एस आपकी बॉडी में निकले ही ना आपको एक बीमारी है और आपकी बॉडी में एस नहीं निकल रहा है तो दैट इज नोन एज ए क्लोरोहाइड्रिया एस सी एल है ना ए क्लोरोहाइड्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना तो ए क्लोरोहाइड्रिया मतलब आपकी बॉडी में एस सी एल निकलता ही नहीं दूसरा वेन पेंक्रियाटिक लाइपेज में रिगजटेट इन टू स्टोमक फ्रॉम द डिओडनम मतलब डिओडनम का जो खाना है वो वापस स्टोमक में आ रहा है डिओडनम का खाना है वो वापस रिगज्रेट करके स्टोमक में आ रहा है तो उसके केस में जो है लिपिड का डाइजेशन स्टोमक में होता है अदरवाइज़ लिपिड का डाइशन स्टोमक में नेग्लिजिबल ना के समान है ठीक है वो ना के सामान किसकी वजह से होता है गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से ना के सामान क्यों होता है क्योंकि वो स्लाइटली एसिडिक पे काम करता है जैसे ही एस निकलेगा पीएच कम होगी एसिडिटी बढ़ेगी ये काम करना बंद कर देगा लेकिन ऐसी दो बीमारियाँ कह सकते हैं ऐसी दो पैथोलॉजिकल अवस्थाएँ कह सकते हैं जिसमें लिपिड का स्टोमक में men, अच्छी तरह से होता है पहली अवस्था हाइड्रिया जिसमें एससील आपकी बॉडी में नहीं निकल रहा दूसरी अवस्था कि जो डियोडनम का खाना है वो रिगजटेट होके वापस स्टमक में आ रहा है तो पेंक्रियाटिक लाइपेज में रिगजटेट पेंक्रियाटिक लाइपेजेट, पेंक्रियाटिक लाइपेज पेंक्रेटिक जूस में होगा कहाँ निकलेगा डियोडनम में और वो पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो रिगजट्रेट होके वापस नीचे जाने की बजाय वो पेंक्रियाटिक लाइपेज स्टोमक में आ रहा है तो उन अवस्थाओं में स्टोमक में लिपिड कैडाइशन होता है अदरवाइज स्टोमक में लिपिड कैडाइशन नहीं होता सिंपल अभी आपने क्या पढ़ा अभी हमने ये पढ़ा कि आपकी जो बैलेंस डाइट है आपकी जो थाली है उसमें लगभग 20 परसेंट लिपिड है ये लिपिड न्यूट्रल फैट के रूप में भी होगा फास्टोलिपिड के रूप में भी होगा फैटी एसिड के रूप में भी होगा ग्लिस्ट्रोल के रूप में भी होगा ये किसी भी फॉर्म में हो इन सब फॉर्म के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये पानी में घुलते नहीं है इस पानी में ना घुलने की इस टेंडेंसी को टैकल करने के लिए आपके सिस्टम में दो स्पेशल मेथड होते हैं एक इमल्सिफिकेशन और दूसरा के लिए ठीक है इमल्सीफिकेशन इमल्सिफिकेशन और दूसरा के लिए तो इसका जो डाइजेशन है स्टोमक ओरल कैप्टी में नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई भी लिपिलिटिक एंजाइम्स नहीं होते स्टोमक में स्टार्ट होता है और सक्कस इंटेरिकस से कंप्लीट होता स्टोमक का जो जूस है उसका नाम क्या है गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो कम पीएच पे काम करता है स्लाइटली एसिडिक पीएच पे जब पीएच बहुत कम हो जाती है हाईली एसिडिक या मॉडरेट एसिडिक हो जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है तो जैसे ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है ये तुरंत काम करता है लेकिन जैसे ही एस आता है ये काम करना बंद कर देता है लेकिन कुछ बीमारियां या कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें स्टोमक के अंदर फैट कड़ाइजेशन अच्छे से होगा जैसे एकहाइड्रिया एस निकले ही ना या जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है जो डिओडम में निकल रहा है वो वापस रिगजटेड होकर स्टोमक में आए तो इन अवस्थाओं में स्टोमक में फैट कड़ाइजन होगा अदरवाइज स्टोमक में फैट कड़ाइशन ना के समान है ठीक है तो जो मेन डाइजेशन है वो कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपको पता है कि डियोडनम के चार पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो डियोडनम का सेकंड पार्ट है कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट तो डियोडनम के सेकंड पार्ट में डियोड के सेकंड पार्ट में जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो खुलती है डियोडनम के सेकेंड पार्ट में पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो खुलती है बाइलट के साथ मिलकर तो जो रियल डाइजेशन ऑफ द फैट है रियल डाइजेशन ऑफ लिपिड है वो डिओडम के सेकेंड पार्ट में होता है क्योंकि बाइल की वजह से होता है और वो सेकेंड पार्ट में ही रियल डाइजेशन असलियत में कोई पूछे फैट का डाइजेशन कहाँ होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए डिओडम के सेकेंड पार्ट में कहाँ होना चाहिए डिओडम के सेकेंड पार्ट में द एक्चुअल स्टेप्स आर अब बेसिकली कैसे होगा तो जैसे हमने बोला था ना कि दो स्पेशल तरीके हैं एक इमल्सिफिकेशन और दूसरा मिक्स्ड मिक्सड माइकल तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये देखते हैं द लार्ज फूड फैट ग्लोब्यूल्स लार्ज फूड फैट ग्लोब्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं फैट के मॉलिक्यूल्स हैं आर एक्टेड अपॉन बाई इमल्सिफाइंग मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ द बाइल साल्ट एंड लेसिथिन तो आपको पता ना डिओडम के सेकेंड पार्ट में बाइल और पेंक्रेटिक जूस दोनों निकलते हैं मैं बता चुका हूँ ना तो डिओंप के सेकेंड पार्ट में बाइल और पेंक्रेटिक जूस दोनों निकलते हैं तो बाइल के अंदर क्या होता है तो बाइल के अंदर बाइल साल्ट और लेसिथिन होते हैं बाइल साल्ट और लेसिथिन क्या नाम है बाइल 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 है ना तो बाइल के अंदर बाइल साल्ट होगा तो बाइल साल्ट और लेसिथिन ये मिक्सचर क्या बनाता है ये इमल्सिंग फाइंग मिक्सचर बनाता है क्या बनाता है इमल्सिंग फाइंग मिक्सचर ठीक है तो इस मिक्सचर की वजह से फैट का इमल्सिफिकेशन होता है इस मिक्सचर की वजह से फैट का इमल्सिफिकेशन होता है ठीक है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन टू द वेरी स्मॉल पार्टिकल मतलब फैट तो मतलब के एक बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है द पार्टिकल्स रिमेन्स डिस्क्रीट दैट इज देज विदर तो आप सोच रहे ना तेल की एक छो बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप में टूट गई और वो छोटी छोटी ड्रॉप आपस में चिपक नहीं रही हैं वो आपस में दूर भाग रही हैं जैसे क्या करते हैं अगर सपोज़ तेल का कोई दाग लग जाए आप साबुन छुटाएंगे तो साबुन में क्योंकि साबुन की वजह से दाग तो छूटेगा अब वो दाग जो छूटा जो तेल छूटा वो तेल की ड्रॉप्स आपस में चिपकेंगी नहीं वो आपस में दूर भाग रही हैं ठीक है तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या था फैट की जो बड़ी ड्रॉप्स थी वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट गई क्यों टूटी इमल्सिफाइंग मिक्सचर की वजह से इमल्सिफाइंग मिक्सचर क्या था बाइल साल्ट और लेसिथिन जो किसके अंदर थे बाइल जूस के अंदर थे ठीक है अब इमल्सिफिकेशन का मतलब आप समझ चुके ना अब जो छोटे छोटे जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलेस नहीं करते हैं ठीक है दे डू नॉट कोलेस विद एनदर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इमल्सिफिकेशन द सर्फिस एरिया ऑफ फूड फैट इंक्रीज प्रोबली टेन थाउजेंड टाइम्स एंड नाउ ऑन दिस ग्रेटली इंक्रीज सर्फिस एरिया द पेंक्रियाटिक लाइपेस कैन एक्ट अगर वो छोटी सी बड़ी सी फैट की ड्रॉप एक साथ रहती बड़ी सी फैट की ड्रॉप एक साथ रहती तो पेंक्रियाटिक लाइपेस को सिर्फ उस ड्रॉप पे काम करना पड़ता क्या हुआ कि वो बड़ी ड्रॉप छोट 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 छोटी छोटी छुट, बहुत सारी ड्रॉप्स में टूट गई और उन ड्रॉप की खास बात थी वो ड्रॉप आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं आती हैं वो ड्रॉप्स एक इधर एक इधर एक इधर एक इदर, एक इधर एक इधर तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो उन पर काम करने के लिए आएगा तो एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर समझ रहे हो तो जो एरिया पहले छोटे से एरिया पे काम करते अभी जो है वो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया कितना बढ़ गया लगभग लगभग दस हज़ार टाइम्स लगभग लगभग टेन थाउजेंड टाइम्स तो दिस इज इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन समझ रहे हैं आप तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्पेशली डिओडनम है डिओडनम का जो सेकेंड पार्ट है उस डियोडनम के सेकेंड पार्ट के अंदर डिओडनम के सेकेंड पार्ट के अंदर क्या होगा बाइल और पेंक्रेटिक जूस मिलेंगे ठीक है तो जो बाइल और पेंक्रेटिक जूस डियोडम के सेकेंड पार्ट में मिलेंगे तो एक्चुअलाइजेशन तभी स्टार्ट होगा बाइल के अंदर एक मिक्सचर है उस मिक्सचर का नाम क्या है इमलसीफिकेशन मिक्सचर तो उसके अंदर बाइल साल्ट और लेसिथिन होते हैं बाइल साल्ट और लेन क्या करते हैं वो बड़े से फैट के ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देते हैं इन ड्रॉप्स की खास बात क्या है वो आपस में चिपकते नहीं है एक दूसरे से दूर भागते हैं इस प्रकार पेंक्रियाटिक लाइपेज को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता है लगभग लगभग दस हज़ार गुना ठीक है समझ आया इतना कि नहीं ठीक है अब आगे हम पढ़ते हैं कि तो हमने बोला था दो तरह की टैकल्स करने के लिए दो तरह के मेथड मैथड एक ही मल्सिफिकेशन और दूसरा क्या था मिक्स्ड तो पैंक्रियाटिक लाइपेज लाइपेज इज द द फर्स्ट मेजर इन जी तो अभी तक आप पढ़े थे गैस्ट्रिक लाइपेज लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज को तो काम करने का मौका ही नहीं मिला क्यों क्योंकि एस भाई साहब आ गए थे तो पैंक्रियाटिक लाइपेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइपेज है मतलब फैट को तोड़ने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है कौन पेंक्रियाटिक लाइपेज इट एक्ट ऑन द ट्राइग्लिसराइड एंड यूजली पार्शियली हाइड्रोलाइज द मॉलिक्यूल ठीक है तो ये ट्राइग्लिसराइड पे काम करता है और उसके मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हाइड्रोलाइज कर देता है सो दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड वन मॉलिक्यूल्ड ऑफ द मोनोग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म तो ट्राइग्लिसराइड किस पे काम कर रहा है ट्राइग्लिसराइड पे और ट्राइग्लिसराइड पे काम करके क्या कर रहा है एक मोनोग्लिसराइड के दो मॉलिक्यूल और फ्री फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल मतलब आप सोचो किस पे काम कर रहा है ट्राइग्लिसराइड पे किस पे काम कर रहा है ट्राइग्लिसराइड पे और ट्राइग्लिसराइड पे काम करके क्या बना रहा है एक फ्री फैटी एसिड और एक मोनोग्लिसराइड ठीक है किस पे काम कर रहा है ट्राइग्लिसराइड पे ट्राइग्लिसराइड पे काम करके क्या बना रहा है

थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एंड वन ग्लिसराइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स तो हमने बोला ना कि ये पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या नाम है पेंक्रियाटिक लाइपेज ये किस पे काम कर रहा है ट्राइग्लिसराइड पे तो ट्राइग्लिसराइड के कुछ मॉलिक्यूल को तो पार्सली हाइड्रोलाइज करता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को कम्प्लीटली है कुछ को आधा अधूरा तोड़ता है और कुछ को पूरा तोड़ देता है आधा अधूरा तोड़ना मतलब दोनों में एक ही चीज़ बनेगी क्या एक तो फ्री फैटी एसिड और एक मोनोग्लिसराइड जब आधा धूरा तोड़ेगा तो दो फ्री फैटी एसिड बनेंगे और दो मोनोग्लिसराइड बनेंगे जब पूरा तोड़ेगा जब पूरा तोड़ेगा तो कितने बनेंगे तीन फैटी एसिड बनेंगे और एक ग्लिसरॉल बनेगा जब आधा धूरा तोड़ा तो दो फैटी एसिड और दो दो मोनोग्लिसरॉल। जब पूरा तोड़ा तो एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड समझ आया दोनों में डिफरेंस किसने काम किया किस पर काम किया ट्राइग्लिस right है? पढ़ते हैं अगला द रोल ऑफ कॉलीपेज तो कॉलीपेज फिक्स देंक्रियाटिक लाइपेज अब जो पेंक्रियाटिक लाइपेज जिस एंजाइम्स की हम बात हैं कि भैयाइड है, पर काम करता है तो वो ट्राइग्लिस काम तो करता है लेकिन वो ट्राइग्लिसराइट पर चिपक नहीं पाता क्यों नहीं चिपक पाता क्योंकि बाइल की वजह से वो मालिक्यूल जो है वो दूर दूर हो गए थे तो चिपकाने के लिए इनको एक अलग से भाई साहब चाहिए उन भाई साहब का नाम है कॉलीपेज क्या नाम है कॉलीपेज तो कॉलीपेज के वजह से किसकी वजह से कॉलीपेज की वजह से जो पेंक्रियाटिक लाइपेज हैं वो ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल पे चिपकते हैं अगर कॉलीपेज ना हो तो पेंक्रियाटिक लाइपेज के मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड पे चिपकेंगे नहीं क्यों क्योंकि बाइल साल्ट के काम की वजह से तो बाइल साल्ट के काम की वजह से इमल्सिफिकेशन की वजह से जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और क्योंकि बाइल साल्ट जो है वो फैट को धो रहा है तेल को धो रहा है अब वो धुल रहा है तो वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा किसकी वजह से जब तक कॉलीपेज नहीं आएगा जो कॉलीपेज आके मिलेगा तो पेंक्रेटिकलाइपज उस पर चिपक जाएंगे और ट्राइग्लिसराइड का या तो पार्सली हाइड्रोलाइज या कंप्लीटली हाइड्रोलाइज पार्सली हाइड्रोलाइज में क्या होगा दोनों में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेंगे पार्सली में दो फैटी एसिड और दो ग्लिसरॉल कंप्लीटली में तीन फैटी एसिड और वन ग्लिसरॉल ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड बाय पेंकेटिक लाइपेज आर देयर फोर टू मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो जब ट्राइग्लिसराइड का डाइशन हुआ तो हमारे पास क्या बने या तो मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड या ग्लिसरॉल ये तो बने ठीक है द फॉस्फो लाइपेज द कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज एंड पेंक्रियाटिक जूस एक्टिंग ऑन द अदर लिपिड एज ए रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड एंड आर फॉर्म तो ट्राइग्लिसराइड के अलावा दूसरे एंजाइम्स भी हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज फॉस्फोलाइपेज तो इन सब की वजह से कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड भी बनते हैं इन सब दीज सबस्टेंसेस लाइक फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल मोनोग्लिसराइड आर लार्जली और होली इंसॉलिवलिन वाटर दे therefore द the solution इज टर्बिड क्योंकि ऐसे हम पहले पढ़ चुके हैं इसके साथ एक प्रॉब्लम है ये पानी में घुलनशील नहीं होते सपोज़ नमक है पानी में घोलेंगे तो क्या होगा नमक पूरा अच्छे से घुल जाएगा अब आप आ, रेते के टुकड़े ले लो मोटे मोटे जो कि पानी में नहीं घुलते हो, तो क्या होगा जब आप घोलेंगे तो घुलेंगे नहीं पानी एक जैसा होगा नहीं पानी कैसा दिखेगा गंदा गंदा तो ऐसे ही क्योंकि ये सब चीज़ें पानी में घुलती नहीं है फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह वगैरह तो जो सोल्यूशन बनता है वो टर्बिट गंदा गंदा सा रहता है कोई चीज इधर दिख रही है इधर दिख रही है इधर दिख रही है तो सोल्यूशन एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं होगा सोल्यूशन कैसा होगा टर्बिट द पैंक्रियाटिक इलेक्ट्रोलाइट्स द मोनोग्लिस्टराइट फैटी एसिड एंड बाइल साल्ट इंटरेक्ट स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म द पॉलीमोलिकुलर एग्रीगेट कॉल्ड मिकैले तो जो पैंक्रियाटिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मोनोग्लिसराइड्स हैं फैटी एसिड्स हैं बाइल साल्ट ये सब सोल्यूशन में पड़े थे ना फैटी एसिड पड़े थे मोनोग्लिसराइड पड़े थे बाइल साल्ट थे वो आपस में चिपक जाते हैं और एक अलग सी स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी कोने पे बाइल साल्ट चिपक गया किसी कोने पे फैटी एसिड चिपक गया किसी कोने पे ग्लिसरॉल चिपक गया और चिपकने की वजह से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है मिकैले क्या नाम है मिकैले क्या नाम है मिकैले क्या नाम है माइकेले तो अब हम पढ़ रहे थे मिक्स्ड माइके लिए क्या है तो मिक्स माइके लिए एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है मिक्स माइके लिए एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इट्स आउटर कोट इज फॉर्म बाय द बाइल साल्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके बाहर बाइल साल्ट होते हैं क्या होते हैं बाइल साल्ट वाइल विद इन द बाइल साल्ट उस बाइल साल्ट के अंदर देर आर द वाटर इनसॉल्युबल लिपिड मटेरियल लाइक फैटी एसिड ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल तो मिक्स मैकेले क्या है मिक्स मैकेले एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है कैस की ऐसी स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल तो इसकी सिलेंड्रिकल समझ रहे हो सिलेंडर के जैसा तो इसकी बाहर वाली लेयर में क्या है बाइल साल्ट क्या है बाइल साल्ट और उस बाइल साल्ट के अंदर उस बाइल साल्ट के अंदर एक इन्वेलप रखा हुआ है बाइल साल्ट के अंदर एक क्या रखा हुआ है लिफाफा मतलब बाहर तो बाइल साल्ट हो गए और बाइल साल्ट के अंदर क्या रखा हुआ है लिफाफा मतलब लिफाफे के अंदर कुछ चीज़ें क्या चीज़ें फैटी एसिड ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल तो मिक्स्ड मिकेले क्या थी मैंने बोला ना कि मिक्स मिकेले ticks... का मतलब क्या है चीजें आपस में जुड़ गई मिक्स हो गई कौन चीजें जुड़ी फैटी एसिड बाइल साल्ट ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ जुड़ी ना लेकिन वो जुड़ेंगी कैसे बाहर की तरफ क्या है बाइल साल्ट उसके अंदर एक लिफाफे के आकार की रचना है उसके अंदर क्या है फैटी एसिड ग्लिस्ट्रॉल कोलेस्ट्रोल एटसेट्रा द हाइड्रोफिलिक एंड्स ऑफ द बाइल साल्ट अब बाइल साल्ट तो पानी में घुलनशील है लेकिन उसके अंदर जो लिफाफा रखा है वो पानी में घुलनशील नहीं है तो जो बाइल साल्ट है वो कैसे है पानी में घुलनशील द हाइड्रोफिलिक एंड्स ऑफ द बाइल साल्ट फेस द दाटर ऑफ द इंटेस्टाइनल इंटेस्टियल ल्यूमन तो आप सोचो एक सिलेंडिकल स्ट्रक्चर थी जिसके बाहर क्या था बाइल साल्ट और उसके अंदर जो लिफाफा है उसके अंदर क्या है फैटी एसिड ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल तो जो लिफाफा है वो लिफाफा पानी में घुलनशील है क्योंकि बाइल साल्ट पानी में घुलनशील होते हैं और लिफा जो अंदर लिफाफा रखा है वो घुलनशील नहीं है तो जो ऊपर बाहर वाली स्ट्रक्चर है जो पानी में घुलनशील है उसके पानी के ड्रॉप्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी के ड्रॉप्स हैं इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो उनकी तरफ अपना फ़ेस कर लेंगे मतलब ये पानी की ड्रॉप और वो पानी की ड्रॉप दोनों एक तरफ एक तरफ हो जाएंगे नहीं समझ आया मतलब एक लिफाफा रखा हुआ था लेकिन लिफाफा किसके अंदर रखा हुआ था एक बड़ी पानी की ड्रॉप के अंदर मतलब बाइल साल्ट के अंदर तो बाइल साल्ट तो पानी में घुलनशील है और इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जो पानी है वो भी पानी तो पानी पानी घुल जाएंगे तो क्या होगा बेसिकली जो सिलेंडिकल स्ट्रक्चर है उसका पानी और इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी है वो पानी आपस में एक डायरेक्शन में चलेंगे वो पानी दोनों आपस में एक डायरेक्शन में चलेंगे इस प्रकार क्या होगा वो पानी तो इंटरसाइड के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्सॉर्ब होगा साथ साथ लिफाफा भी घुस जाएगा तो नोट द मिक्स मे के लिए क्रॉसेज द अनइेड लेयर ऑफ द एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटरसाइड तो जो मिक्स्ड मिकेले नाम की जो स्ट्रक्चर थी वो इंटेस्टाइन की ल्यूमन के जो अनिस्टेड इंटेस्टाइन की जो लेयर uh, है उसकी जो अनस्ट्राइटेड लेयर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है और वो इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाती है इंटेरोसाइट्स के अंदर ठीक है तो अनिस्टेड लेयर का मतलब क्या है अनिस्टेड लेयर का मतलब एक पानी की पतली लेयर है जो इंटेरोसाइड्स मतलब आंत की सेल के ऊपर लगी रहती है ठीक है एज दिस वाटर इज लॉग्ड इन बिटवीन द माइक्रोब्लाई इट कैन नॉट मूव इज कॉल्ड अनिस्टेड लेयर तो अनस्टेड लेयर बेसिकली क्या थी अनिस्टेड लेयर जो थी वो पानी की एक लेयर थी पानी की एक लेयर थी जो इंटेस्टाइन मत की सेल्स मतलब इंटेरोसाइड्स के ऊपर लगी हुई है पानी की एक लेयर जो इंटेरोसाइड्स के ऊपर लगी हुई है उस लेर को क्या कहते हैं अनिस्टेड लेयर तो उस अनिस्टेड लेयर की तरह जो लिफाफे के ऊपर वाला बाइल साइड वाला पानी की ड्रॉप थी वो दोनों आपस में एक डायरेक्शन में हो जाएंगे ओ माय गॉड्स वेट ठीक है द फैट द फैटी मटेरियल्स बींग एक्सट्रीमली सोलिबल इन द सेल मेम्ब्रेन गेट डिजोल्व इन द सेल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज टू रीज द साइटोसॉल्स एंड द दॉल्ट रिमेन इन द इंटेस्टाइनल कैनल तो जब वो इंटेरोसाइट्स की तरफ हो जाएंगे कौन वो लिफाफा जिसके अंदर रखा हुआ था और जो पानी की जो लेयर थी अनस्टेड लेयर वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे इंटेरोसाइट के संपर्क में आएंगे इंटेरोसाइट्स मतलब इंटेस्टाइन की सेल वो किससे बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन लिपिड के लिए कैसी होती है सोलिविल तो जो लिपिड है वो डायरेक्टली जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएगा और जो लिफाफे के ऊपर वाली लेयर थी वो बाहर रह जाएगी पानी पानी वो एक साथ जो बाइल साइड थे वो बाहर रह जाएंगे और जो लिपिड के जो इसके अंदर जो लिफाफा रखा था वो लिफाफा जो है वो इंटेरोसाइड्स के अंदर घुस जाएगा ठीक है ठीक है And the bile salt remain in the intestinal canal. Within the cytosols, the fatty acid, monoglycerol, glycerol combination plus gets a lipid protein to the form a chylomicron. This chylomicron enters the lacteals and eventually enters the blood. Theke? तो ये जो फैटी एसिड्स मोनोग्लिस्टराइड ग्लिसरॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन के साथ मिलकर काइलो माइक्रोन बनाते हैं और कायलो माइक्रोन जो है वो लेक्टीस के थ्रू एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और ब्लड में चला जाता है एंड बाइल एसिड रिमेन बिहाइंड द इंटेस्टाइनल कैनाल बाइल एसिड अंदर रह जाते हैं फिर एलियम के थ्रू एलियम में आते हैं और एलियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ आपको कि लिपिड्स जो आपकी थाली है उस थाली में अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी परसेंट लिपिड्स हैं लिपिड्स न्यूचुरल फैट के रूप में भी हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स के रूप में भी हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो सकते हैं लिपिड्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपके सिस्टम में दो प्रोसेस होते हैं एक इमल्सिफिकेशन और दूसरा मिक्सड माइकली ठीक है अब लिपिड्स का डाइजेशन स्टोम ओरल कैविटी में नहीं होता क्योंकि सेलाइवरी सेइवा के अंदर लिपोलिटिक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं इसका डाइजेशन स्टोमक इस में स्टार्ट होता है और सक्कस इंटेरिकस में कंप्लीट होता है इस्टोमक के अंदर जो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज तो गैस्ट्रिक लाइपेज स्लाइटली एसिडिक पीएच पे तो काम करता है लेकिन जैसे ही पी पीएच एच आ, हाईली एसिडिक होती है ये काम करना बंद कर देता है तो गैस्ट्रिक जूस जैसे, जैसे जैसे निकलते हैं निकलने के साथ तो ये काम कर रहा है लेकिन जैसे ही एच आया इसने काम करना बंद कर दिया लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जिसमें स्टोमक में फैट कडाइशन होगा जैसे एकहाइड्रिया या पेंक्रियाटिक जो लाइपेज है वो डिओडनम से रिगिजरेट होकर स्टोमक की ओर वापस आए तो उन दो अवस्थाओं में क्या होगा कि फैट कडाइशन स्टोमक में होगा अदरवाइज फैट का डाइशन स्टोमक में नहीं होता है तो डाइजशन भैया कहाँ होता है डाइजन मेनली डियोडम के सेकंड पार्ट में होता है क्योंकि वहाँ पे जो बाइल साल्ट जो बाइल जूस है वो के सेकेंड पार्ट में खुलता है तो इसके जो स्टॉप्स इस हैं वो बेसिकली क्या है लार्ज फैट का जो ग्लोब्यूल्स है वो एक इमल्सीफाइंग मिक्सचर की वजह से छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में टूट टूट जाता है भाई इमल्सिफाइंग मिक्सचर क्या होता है बाइल साल्ट और लेसिथिन ये कहाँ पाए जाते हैं बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो टूट रहे हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो आपस में चिपकते नहीं है एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं इस को काम करने के लिए गुना एरिया मिलता है अगर वो एक सिंगल ड्रॉप्स के रूप में बड़े से ग्लोब से कंपेयर करें तो वो छोटे छोटे टुकड़े अप्रोक्सीमेटली टेन थाउजेंड टाइम्स एरिया देते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेस को काम करने के लिए ठीक है अब पेंक्रियाटिक लाइपेस पहला इंपॉर्टेंट लाइपेज है जो फैट के डाइजेशन के लिए काम कर रहा है ये क्या कर रहा है या तो इसका पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देता है या कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज कर देता है पार्शियली हाइड्रोलाइज में क्या बनेंगे फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड दो और मोनोग्लिसराइड दो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करेगा तो तीन फैटी एसिड और वन ग्लिसरॉल बनेगा ठीक है अब ये पेंक्रेटिक लाइपेज के डायरेक्टली चिपक जाता है नहीं ये खुद नहीं चिपकता इसको चिपकाने के लिए एक दूसरा एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम क्या है कॉलीपेस ठीक है इस प्रकार जो जो डाइजेशन के ट्राइग्लिसराइड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो या तो क्या होंगे मोनोग्लिसराइड होगा या फैटी एसिड होगा या ग्लिसरॉल होगा तो ये सब जो मोनोग्लिस्टराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये बाइल के साथ मिलकर एक स्पेशल रचना बना लेते हैं उस रचना का नाम क्या है मिकेले तो उस मिकेले में होता क्या है कि एक सिलेंडिकल स्ट्रक्चर है जिसके बाहर की ओर बाइल साल्ट होते हैं उसके अंदर एक इन्वेलप होता है उस इन्वेल्प में फैटी एसिड ग्लिस्ट्रोल और लिपिड्स होते हैं ठीक है तो जो इंटेस्टाइन के अंदर एक अनिस्टेड लेयर होती है मतलब इंटेस्टाइन की जो सेल है इंटेस्टाइन की सेल को क्या बोलेंगे इंटेरोसाइड्स तो उसके ऊपर एक पानी की लेयर है वो पानी की लेयर उससे चिपकी ही रहती है हर समय तो जो लिफाफा सिलेंडर शेप था तो वो सिलेंडर किसका बना हुआ है पानी का उस पानी के अंदर एक लेयर है किसकी मिक्स में कैले मतलब एक लिफाफा जिसके अंदर फैट का मॉलिक्यूल है तो वो पानी की लेयर अनिस्टेड लेयर के जब कांटेक्ट में आती है तो अनिस्टेड लेयर किस पे लगी हुई है इंटेरोसाइड पे इंटेरोसाइड मतलब इंटेस्टाइन की सेल की मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड के लिए हाईली सॉल्युबल है तो जैसे ही वो उसे कॉन्टेक्ट में आएगी लिपिड अंदर चला जाएगा और जो बाइल साल्ट था वो बाहर ही जाएगा तो इस प्रकार लिपिड जो है वो इंटेरोसाइट्स के अंदर चला जाता है जब वो अंदर चला जाता है वो प्रोटीन के साथ मिलके काइलो माइक्रोन बना लेता है और ये काइलो माइक्रोन लिम्फेटिक सिस्टम लैक्टीन्स के थ्रू आपके ब्लड्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो दिस इज डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और जब एक बार समझ में आएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिखिएगा बहुत से बच्चों की कंप्लेन है कि सर वीडियो क्लियर नहीं है तो वीडियो क्लियर नहीं है आई नो बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हेडफोन अपने कानों में लगाएं और वीडियो को दो या तीन बार सुनें उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ आएगा थैंक यू